हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चटपटी सी मसालेदार हम लाए हैं मटन लीवर यानी कि कलेजी की रेसिपी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई हैं, जो हमने ऑमलेट कट करी थी। दो मीडियम साइज की प्याज लिया मैंने और दो मीडियम साइज की प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया, पीस लिया है। इसको भी हम भूनेंगे। अब डालते हैं इसमें भर भर के 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छे से भूनेंगे। और फ्रेंड्स, हम वो मटन लीवर ऐड करेंगे जिसे हम की आम भाषा में बोलते हैं कलेजी। ये देखिए मैंने अच्छे से ना वॉश करके छन्नी में रख लिया ताकि इसका सारा ना पानी निकल जाए। और क्योंकि जो लीवर में कलेजी में ना थोड़ी स्मेल होती है, हल्की सी मछान टाइप की फिश में आती है, तो इसको अच्छे से हम ना लहसुन अदरक के साथ भूनेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी स्मेल निकल जाए, मछान दूर हो जाए। उसके बाद हम और मसाले ऐड करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, कलेजी का ना कलर चेंज हो गया है, थोड़ी सी फ्राई सी हो गई है। अब इसमें हम ये प्याज का पेस्ट जो हमने बनाया इसको ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे थोड़ा सा। तो फ्रेंड देखिए ना, प्याज को भी मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब चलते हैं मसाले की तरफ। और मसालों में है फ्रेंड्स, ये देखिए 1 चम्मच हमारी ना बड़ी तीखी मिर्चें हैं तो हमने थोड़ी कम ली है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच लिया है मैंने हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ये है गरम मसाला, जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी का एक टुकड़ा, लौंग और काली मिर्च। और फ्रेंड्स, ये 2 से 2.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर और नमक आप ले लेंगे स्वाद अनुसार। ओ, पिसा हुआ गरम मसाला और कसूरी मेथी हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो इन मसालों को फिलहाल हम ऐड कर देते हैं और भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्या है, ये है हमारा एक कुकर और इसमें देखिए फ्रेंड थोड़ा सा ऑयल और मसाला लगा हुआ है। इसमें मैंने कुकर में किया था सुबह को चिकन फ्राई अपने बेटे के लिए, तो फ्रेंड थोड़ा सा ना इसमें हल्का सा वो जो फ्राई का ऑयल है वो है। तो इस कलेजी को मैं इसके अंदर ऐड करके कुकर के अंदर ऐड करके पकाऊंगी ताकि और अच्छी फ्राई की तो खुशबू आती है ना, तो इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी, हमारी कलेजी बहुत टेस्टी लगेगी। और वैसे इस तरीके से आप बनाएं बहुत अच्छी बनेगी। कसूरी मेथी लास्ट में क्रश करके हल्का सा रोस्ट करके ऐड करेंगे ना, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। लेकिन ये मेरा तेल फिर वेस्ट होगा, इस वजह से मैं इसके अंदर ऐड करके सीटी लगा दूंगी तो और भी टेस्टी। अगर आपके पास ऐसा फ्राई का तेल पड़ा हो ना तो जरूर कलेजी में यूज करना, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा सा ना पानी इस कढ़ाई को में हम घुमा लेंगे, मसाला वगैरह आ जाएगा। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करके 1 कप के करीब और इसको अब हम 4 से 5 सीटियां लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए तवा हमने गरम कर लिया अच्छे से और ये 1 चम्मच के करीब थोड़ी सी मैं डालूंगी क्योंकि ना हमारे ससुर जी को इसका फ्लेवर थोड़ा कम पसंद है कसूरी मेथी का, इसलिए मैं थोड़ी कम ही डालूंगी। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से ना कुरकुरी हो गई। अब इसको ये देखिए कितनी आसानी से एकदम क्रश हो जाएगी। अब ये जो बड़ी बड़ी डंडी सी है ना इसको मैं थोड़ा निकाल लूंगी और ये डाल दूंगी। तो फ्रेंड देखिए, हमारी ये भुनी हुई मसालेदार चटपटी सी टेस्टी सी जो है मटन लीवर कलेजी भुन के पक के तैयार है और इसको हम गार्निश करेंगे। फ्रेंड्स ये थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया हमने कट करके रखा हुआ है इससे। अच्छी लगे तो प्लीज फ्रेंड्स, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते, और लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।